बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, बेली फैट, जो सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। इसके लिए नौका आसन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा आसन हो सकता है। इसे करने के लिए दंडासन में ही बैठें और उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा हिप्स के पास ले आएं, घुटनों को मोड़ लें, अब इन्हें ऊपर उठाएं और जब आप बैलेंस फील करें अपने बट्स पर तब आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर लें आगे की तरफ। कोशिश करें धीरे धीरे आप अपने घुटनों को खोल लें और इसे होल्ड करें। अगर आपको इसे करने में दिक्कत आ रही है तो अगेन आप अपनी नीज को थोड़ा बेंड कर सकते हैं और इसे होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने घुटनों को खोलने की प्रैक्टिस करें जितना हो सके। पेट के लिए अगर कोई बहुत इजी एक्सरसाइज है तो वो है कटी चक्रासन। इसे करना बहुत आसान है और ये बहुत फायदेमंद भी है। इसे करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाएं, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए बॉडी को ट्विस्ट कर लें वापस सामने की तरफ और एक्सहेल करते हुए फिर से बॉडी को ट्विस्ट कर लें। ये आपके पेट के साथ साथ आपकी कमर पर भी काम करता है, आपके लव हैंडल्स पर स्पेशली। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर आपकी कमर में किसी भी तरीके की इंजरी है या फिर आपको बहुत सीवियर पेन है तो आपको इसे नहीं करना है। हम वैसे भी इसका एक अलग वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, जो डायनेमिकली करेंगे तो ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग्स पर भी जोर नहीं आएगा। यह आपकी पूरी टांगों पर काम करेगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा। ऑलराइट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हर बार आगे जाते हुए एक्सहेल करना है और पीछे आते हुए इनहेल करना है। इसे आप एक बार में 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके नी कैप ऊपर की तरफ नहीं आए, आपको नी को बेंड नहीं करना है, साथ ही साथ आपको हंच भी नहीं करना है। कई लोग आगे जाते हुए बैक को हंच करके इस तरीके से पकड़ लेते हैं, बैक सीधी रहेगी। एक एंगल में आप बैक को तिरछा कर सकते हैं लेकिन आपको बैक को राउंड नहीं करना है। आगे जाते हुए एक्सहेल, पीछे आते हुए इनहेल। सीनियर सिटीजन्स अगर फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो वो किसी दुपट्टे का या फिर बेहतर रहेगा योगा बेल्ट का इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से बेल्ट को अपने पैरों में फंसा लें और जब आप एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे तो ये बेल्ट आपकी मदद करेगी। इनहेल एंड एक्सहेल, अपनी कोहनियों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें और धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करें। अगेन नज़रें सामने की तरफ, नीचे करेंगे तो बैक को राउंड करेंगे, हंच करेंगे, वो हम नहीं चाहते। कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स, पीछे आ जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, फिर ब्रेथ नॉर्मल कर लेनी है आपको और उसके बाद पीछे आते हुए लंबा इनहेलेशन। अगला आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। एक बड़ा स्टेप लेकर अपने पैरों में गैप कर लें। अब दोनों हाथों को साइड बाय साइड खोल लें, इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे, पर देखें कि ये लेटरल बेंडिंग है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ नहीं, आपको बिल्कुल साइड में बेंड करना है। इनहेल, एक्सेल डाउन। जो आपकी पाम है ऊपर की तरफ वो सामने की तरफ, आप एक हाथ अपनी टांग पर ही रखें और धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रैवल करें। ये आपको हेल्प करेगा आपका पॉस्चर मेंटेन करने के लिए। कुछ लोग पैरों को पकड़ना प्रेफर करते हैं शुरुआत में ही, यह आपके आसन को कोलैप्स कर सकता है, आपके आसन को बिगाड़ सकता है। नजरें ऊपर की तरफ, इनहेल करते हुए वापस आ जाएं, अब ऑपोजिट साइड। कम बैक। कुछ लोग इस दौरान पैर को 90 डिग्रीज पर टर्न करना भी प्रेफर करते हैं। जैसे अगर आप राइट साइड झुक रहे हैं तो राइट फुट को आप बाहर की तरफ निकाल लें या फिर लेफ्ट फुट को जब लेफ्ट साइड कर रहे हैं। दोनों तरीके सही हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी डेमो दे देती हूँ। इनहेल, एक्सहेल डाउन।
धीरे धीरे आप नीचे की तरफ क्रॉल कर सकते हैं और जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तब आप अपने पैरों को भी पकड़ पाएंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर स्पेशली कोई वीडियो बनाएं। और हाँ, हमें आप बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि आप इसके बारे में योग बताएं, उसके बारे में योग बताएं। तो सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है, कमेंट करने के साथ हमारी प्लेलिस्ट को आप विजिट करें, क्योंकि पहले से ही हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जो आपकी प्रॉब्लम में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके साथ हम ट्राई करेंगे कि उसी प्रॉब्लम के लिए नए वीडियोस भी बनाएं।